का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। कल का संदेश के बाद में मैं विश्वास करता हूँ वो संदेश कई लोगों के जीवन में कई प्रकार का सवाल उड़ा है और कई लोगों ने मालूम उसका बारे में मालूम पूछा भी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत लोग ध्यान से वचन सुन रहे हैं। कल मैंने आपको एक सवाल के साथ आरंभ किया था कि मैं मसीह है क्या, मैं एक सच्चा मसीह है क्या, उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिल चुका। आज भी मैं आपको एक सवाल के साथ ही आज का भी संदेश मैं आरंभ करना चाहूँगा, वो है आपका नया जन्म हुआ है क्या, आपका नया जन्म हुआ है क्या, अभी नया जन्म हुआ है क्या, उद्धार हुआ है क्या, ये सब एक ही बातों को मानव बताता है कि हमको सही प्रकार प्रभु के साथ का एक सच्चा नाता बना है क्या। अभी नया जन्म, ये नया जन्म कैसा है, नया जन्म क्यों होना चाहिए, इसका गौरव जानना बहुत जरूरी बात है। और एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ तो वो व्यक्ति कभी भी मानव प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। तो मैं आज उसको आधार में यौवन का सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय 3-5 तक का वचन, एक्चुअली बहुत लंबा पढ़ना चाहिए लेकिन मैं शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये निकोदमस के साथ का प्रभु का बातचीत में हुआ एक बात है। यौवन का सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 3-5। यीशु ने उसका उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कितना गौरव का बात है प्रियो, हम लोग ये बात को जानना है, कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसको नया जन्म पाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर इतना गौर दिया है, आमेन आमेन या सच सच मैं तुझे कहता हूँ। अभी आप देखिए, अभी आपको मालूम है ये निकोदमस कौन था, ये निकोदमस उसका तीसरा अध्याय का पहला वचन में हम लोग देखते हैं वो एक फरीसी था, है ना, फरीसियों में निकोदमस नाम का एक मनुष्य था। हाँ, फरीसियों में वो एक फरीसी व्यक्ति था। आपको मालूम है फरीसी व्यक्ति प्रभु के वचन को अच्छा जानता है और इतना ही नहीं व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक लोग हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब लूका 18 अध्याय का 11-12 वचन में वो मंदिर में जा करके प्रार्थना करने के लिए आया हुआ एक फरीसी, वो अपने आप को क्या बोलता, प्रभु मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, हरेक जो भी मुझे आशीष मिलता है उसका मैं दशांश देता हूँ, ऐसा बोल करके मतलब वचन को या व्यवस्था को पूरा करने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक लोग थे। तो अभी ये निकोदमस एक फरीसी था, साथ ही साथ वहां पर हम पढ़ता है कि वो एक यहूदियों का सरदार था। सरदार था, देखा, यहूदियों का सरदार था, इसका मतलब एक तो फरीसी था, दूसरा वो सरदार था। सरदार बोलेगा तो वो व्यक्ति उनका यहूदियों का एक हाईकोर्ट रहता है, सन्निधि संघ बोलता है उसका, उसमें से एक वो एक व्यक्ति था, बोलेगा तो एक एडवोकेट था। देखिए, क्योंकि वहां पर जब यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 45-51 वचन में जब मतलब उन लोगों ने सिपाहियों को प्रभु को पकड़ने के लिए भेजा था, वहां पर वो लोग पकड़ करके लेकर नहीं आया, उस समय में क्यों नहीं लेकर आया, तो लोग बोलता है कि उनकी जैसा बात हमने कभी सुना ही नहीं, तो तुम लोग भी बह गया क्या, ऐसा बोल के तुम लोग साबित है वो अच्छा सारा वजन नहीं, तो भी उसका 50-51 में वहां पर निकोदमस को माला बात करने वालों को एक सजा देता है। निकोदमस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? बोले निकोदमस यीशु मसीह की पक्ष में होकर के वहां पर बात किया, बोलने का अर्थ मतलब निकोदमस को वहां पर बोलने के लिए हक है, वहां पर वो एक उस अदालत में वो एक मेन आदमी है, ये हम देखता है। तो फरीसी है
और वो मानो यहूदियों का एक सरदार है। तीसरी बात, उसका दूसरा वचन में वरना तीन का दो में हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु को जानना हुआ एक व्यक्ति था, मतलब वो खुद बोलता है तुम परमेश्वर की ओर से उपदेष्टा होकर के आया, मतलब ये जानकारी वो रखता था। और उसका माना चार वजन में हम देखते हैं वो बुढ़ा था, है ना, वो बुढ़ा था, वो खुद प्रभु को बोलता है जब एक मनुष्य बुढ़ा हो गया तो बोलेगा, तो वो स्वयं एक बुढ़ा व्यक्ति था। और पांचवा एक बात, उसका तीन का दस वजन में हम देखते हैं वो एक उपदेष्टा भी था, वो उनका एक रबी था। अब देखिए ये पांच गुण निकोदमस का है, लेकिन निकोदमस कहा नहीं जाएगा, स्वर्ग मतलब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। देखा इसका मतलब, मतलब परंपरा से आने वाला कोई भी श्रेष्ठता की बात को लेकर के मैं प्रभु के राज्य में जाएंगे सोचना व्यर्थ बात है। तो यहां पर उस निकोदमस को प्रभु खास करके बोलता है यदि एक व्यक्ति जल और आत्मा से, वहां पर एक खास बात, वहां पर वो पांच वचन बहुत ध्यान से सुनना, उसका तीन का पांच। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखा इसका मतलब क्या है प्रियो, मतलब प्रभु का राज्य में प्रवेश करना है तो जो भी व्यक्ति है आदमी पीढ़ी में जन्मा हुआ हरेक लोगों को नया जन्म पाना जरूरी बात है। इसका अगर नया जन्म नहीं हुआ वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यहां पर ये प्रभु ने सच सच करके कहा, मतलब उसका बात का कितना मतलब गौरव है। अब यहां पर बहुत से लोग धोखा खाने वाले एक बात है कि जल और आत्मा क्या है। जल सुनते ही कई लोगों को क्या लगता, मैंने भी बातचीत में बहुत लोगों को मुंह से सुना है कि आप लोग कभी भी है बपतिस्मा, बपतिस्मा के ऊपर जोर देता है। यहां पर बपतिस्मा का बात ही नहीं प्रियो, यहां पर जो जल और आत्मा कहा है वो बपतिस्मा का बात नहीं, यह हमें जानना जरूरी बात है ना। कई लोग सोचता है नया जन्म बोलेगा तो बपतिस्मा लेना है, नहीं नहीं, नया जन्म पाए हुआ लोगों के लिए बपतिस्मा है, वो बात मैं और एक क्लास में आपको समझाऊंगा। लेकिन पहली बात, यहां पर जो जल और आत्मा क्या है ये जानना जरूरी बात है। अगर इस प्रकार का एक नया जन्म मेरा हुआ है कि नहीं ये वास्तव में जानना जरूरी बात है, क्योंकि बहुत लोग उनका मतलब नेव ठीक नहीं, जब वचन संहिता 11:3 में लिखा है नेव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा, बोलेगा तो हमारे जीवन में हम प्रभु का सत्य वचन के आधार में अगर हमारे जीवन नहीं बना वो व्यक्ति का कोई लाभ नहीं, वो धोखा खाएगा। तो यहां पर ये जो नया जन्म प्रभु बोलता है जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म ना पाएगा तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अभी यहां पर इसलिए आपको बताया जल बोलेगा तो वहां पर ये बपतिस्मा के बारे में है ही नहीं, फिर जल क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी बात है। आप पुराने नियम में भी देखेगा तो एहेज़कैल नबी की किताब, एहेज़कैल नबी तो एहेज़कैल, एहेज़कैल नबी की किताब उसका 36 अध्याय उसका 25 से 27 तक का वचन में ये नया जन्म के बारे में वहां पर एक सुंदर वर्णन प्रभु ने बताया हुआ है, वहां पर हम थोड़ा पढ़कर सुनेंगे। 36 अध्याय का 25 से 27, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखिए यहाँ पर प्रभु हमें मतलब हर एक लोगों के ऊपर क्या करेगा, शुद्ध जल छिड़केगा। आपको मालूम है यहाँ पर जल करके जो बताया क्या है, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन से वो धोया जाएगा। आपको याद होगा जब योगन्ना 15:3 में यीशु मसीह ने बोला जो वचन मैंने तुमसे कहा इस वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो गया, है ना। योहन्ना 17:17 में पिता के साथ प्रार्थना में यीशु मसीह बोलता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो वचन के द्वारा धोया जाने वाला अनुभव के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि जल और आत्मा। अभी आत्मा भी क्या है इवन आपको मालूम है उस योहन्ना उसका 7 अध्याय 37 से 39 तक का वचन में हम लोग देखता है कि प्रभु के आखिरी दिन में यीशु मसीह खड़ा होकर क्या बोला,
पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखा, मतलब मेरे पास आकर के पीने के लिए प्रभु बोलता है, क्या पीना है? ये प्रभु का ऊपर वजन सुनकर के विश्वास करने वाला लोग पाने वाला आत्मा का विषय में प्रभु ने वहां पर बात किया। यहां पर बहुत स्पष्ट है, इवन मैंने यूहन्ना 4 अध्याय में सामरिया स्त्री के साथ बात करने के टाइम पर प्रभु ने उससे जल मांगा, प्रभु ने उससे जल पी लेकर के पिया नहीं, लेकिन उसको बोला और मांगने वालों को तू जानता तो उससे मांगता, वो तुझे जीवन जल पिलाता, है ना। यीशु मसीह जीवन जल देने वाला है, तो वो जल प्रभु की ओर से हमें मिलने वाला, मतलब वचन के द्वारा मिलने वाला आत्मा को भी बताता है। ये बहुत सुंदर बात है, इसका मतलब यहाँ पर बोला वो जल ये प्रभु का वचन और वचन से हमें मिलने वाला आत्मा। उसका एक और स्पष्ट वचन है योहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन, जो वचन मैंने तुमसे कहा वो आत्मा और जीवन है। कितना सुंदर बात है, वो आत्मा और जीवन है। तो ये वचन में क्या है, प्रभु का आत्मा है। जब आप वचन सुनता है तो आपको आत्मा भी प्राप्त होता, आत्मीय जीवन में बल पाने के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो यहां पर क्लियर बात है, मैं अभी आपको उस बात को थोड़ा और गहराई में स्पष्ट करना चाहता हूं। वो कैसा, अभी परिषद पवलोस कुरिंथ मंडली को कहने के टाइम पर पहला कुरिंथी 4 अध्याय का 15 वचन में पवलोस कुरिंथ मंडली के लोगों को बोलता है कि मसीह यीशु में मैं तुम्हें सुसमाचार के द्वारा नया जन्म दिया। आप थोड़ा पढ़िए उसको, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। देखा, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, पवलोस ने यह वचन सुनाया है ना, पवलोस हमेशा सुसमाचार सुनाता था या उसका वचन सुनाता था। आप देखिए कितना सुंदर बात है, उसके मतलब उस वचन सुनकर के उन लोगों ने नया जन्म पाया, उन्होंने नया जन्म पाया। वही बात याकोब कहता है, याकोब ने भी याकोब का पत्र उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन में याकोब क्या कहता है, आपने आपको मालूम, याकोब भी यही बात बोलता है कि ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। देखा, सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया या हमें नया जन्म दिया, बहुत बड़ी बात है, वचन के द्वारा नया जन्म है। प्रियो, आज कई लोग कई प्रकार, मतलब आपका नया जन्म हुआ है क्या, वो बोलने के टाइम पर, या आपका उद्धार हुआ है क्या, बोलने के टाइम पर क्या बोलता, हो हमारा घर में एक प्रभु का दास आया था, मेरा माँ बीमार था, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने चंगाई पाया, तो हम पूरा परिवार बपतिस्मा लिया। देखो अब उनको क्या लगता, हमने ये चिन्ह या ये मतलब चंगाई का अवस्था देख करके हमने क्या किया, हमने जाकर के बपतिस्मा लिया, पर तो उन लोगों का नया जन्म हुआ है क्या? नहीं, नया जन्म नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उन्होंने इस सत्य वचन के द्वारा नया जन्म पाने वाला अनुभव उनको नहीं मिला। इसलिए क्या होता, ऐसा लोग, बहुत से लोग मेरे जीवन में, मैंने ऐसे बहुत लोगों को मिला, उनको नया जन्म का अनुभव नहीं, नया जन्म क्या है उनको मालूम नहीं, उनका जीवन बदला नहीं, तो वो लोग मानो इस प्रकार कुछ चिन्ह चमत्कार देख करके मानो जाकर के डुबकी लिया, परंतु उनका जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया हुआ अनुभव नहीं। कितना दुखदायक बात है, इसका मतलब नया जन्म कैसा है, नया जन्म सिर्फ प्रभु का वचन के द्वारा है। एकदम स्पष्ट करने वाले एक वचन पत्रोस कहता है, 1 पत्रोस उसका 1 अध्याय 23 वचन में पत्रोस बहुत साफ बताता है नया जन्म हमारा कैसे हुआ। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, वो कोई संदेह नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा, प्रियो प्रभु का वचन के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर हमारे लिए क्या किया, वो सच्चाई उन्होंने सुना, और यीशु मसीह हम पापियों के लिए दुनिया में आकर हमारा पाप का सजा अपने ऊपर लेकर सूली पर मर गया। उन्होंने जब ये सुना तो उनका दिल चित गया। आपको मालूम है प्रेरितों का में उसका 2 अध्याय का 37 वचन, जो भी वचन सुना उनका दिल चित गया। हम देखते हैं कि उन लोगों ने पूछा हम क्या करें, वहां पर प्रभु का वचन कार्य किया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया,
उन्होंने प्रभु का आज्ञा पालन किया, वहां पर ये बात सब लिखा है। मैं वो बात अगले क्लास में विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना जरूरी बात है कि आपने प्रभु का वचन सुनकर के या सुसमाचार सुनकर के आपने नया जन्म पाया क्या? क्योंकि ये वचन क्या है? वचन आत्मा और जीवन है, ये हमें नया जन्म प्रदान करता है। इसलिए आपका नया जन्म कैसे हुआ ये आप जानना बहुत जरूरी बात है ना। ये रूढ़ी परंपरा से आने वाला कोई बात नहीं, ये हमारा कोई कसरत के द्वारा मिलने वाला बात नहीं, ये बिल्कुल प्रभु का सुसमाचार सुन करके, प्रभु यीशु पर विश्वास करके, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करके, अपना प्रभु मानकर ग्रहण करने के समय में मिलने वाला अनुभव है। तो इसलिए आप प्रियो ये बात पक्का निर्णय करना, आप वास्तव में नया जन्म पाया क्या, मेरा नया जन्म हुआ है क्या। मतलब ये स्वर्ग से मिलने वाले के जन्म है, मैं इसके बारे में अगला क्लास में, अगला थर्सडे का क्लास में मैं आपको बताने वाला है कि हम कैसा नया जन्म पाता है और उसका अनुभव क्या है। ये बात मैं अगला क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये जरूर परखना, मैं प्रभु का सत्य वचन सुन करके, उस वचन पर विश्वास करके, मैंने प्रभु को ग्रहण करके आत्मा में जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है कि नहीं, ये बात को आप यकीन करना। जल क्या है आपने समझ गया ना, ये प्रभु का वचन है। आत्मा ये भी प्रभु का वचन विश्वास पर करने पर या प्रभु पर विश्वास करने पर हमें मिलने वाला आत्मा है। इसका मतलब जल और आत्मा के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, ये बात को आप जरूर साफ साफ क्लियर जानना, नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य में रहने का अनुभव भी वो व्यक्ति को नहीं मिलेगा। परमेश्वर का राज्य आज में, प्रभु का राज्य में है कि नहीं, ये सारे बात हम अगले क्लासों में हम उसको मतलब समझेंगे, उसका ध्यान करेंगे, लेकिन इतना जरूर आप यकीन करना है कि आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं। तो प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।